हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और फोन डेटा के वीडियो में आपका स्वागत है। और ये है Asus का Zenfone Pro Max M1 स्मार्टफोन। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं 15 यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स इस स्मार्टफोन के बारे में। अगर आपके पास एक स्मार्ट डिस्प्ले है आसपास, तो आप अपने स्मार्टफोन के अंदर एनेबल कर सकते हैं वायरलेस डिस्प्ले का फीचर सेटिंग्स के अंदर से, और उसके बाद आपके फोन का डिस्प्ले आप किसी भी और स्मार्ट डिवाइस के ऊपर आराम से कास्ट कर सकते हैं। अगर आपने पहले किसी Zenfone डिवाइस को खरीदा है या फिर यूज किया है, तो आपको याद ही होगा कि उस डिवाइस के अंदर आपको मिल जाता है 100GB का फ्री स्टोरेज। आप गूगल ड्राइव के अंदर जा सकते हैं और वहां पर आपको मिल जाएगा 100GB का फ्री स्टोरेज। अगर आप चाहते हैं कि अपने स्मार्टफोन से आप किसी से पेमेंट रिक्वेस्ट करें या फिर सेंड करें या फिर अपने मोबाइल का रिचार्ज करें, तो आप गो टू पे वैलेट फीचर को यूज कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपको प्री इंस्टॉल मिल जाता है और इससे आप DTH रिचार्ज या फिर मोबाइल रिचार्ज आराम से कर सकते हैं। अगर आप यूज़ करते हैं अपने स्मार्टफोन को शाम में भी, तो आप एनेबल कर सकते हैं ऑटोमेटिक नाइट लाइट का शेड्यूल, जिसके बाद फ़ोन का डिस्प्ले ऑटोमेटिकली डिम हो जाएगा और काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आप बात करें जेस्चर्स की, तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको मिल जाते हैं जेन मोशन के फीचर्स। और आपको अगर अपने स्मार्टफोन को वेकअप करना है या फिर टर्न ऑफ करनी है स्क्रीन को, तो आपको सिर्फ डबल टैप करना है उसके ऊपर। इनफैक्ट आप किसी भी एप्लीकेशन को ऑटोमेटिकली रन कर सकते हैं लॉक स्क्रीन से ही, और इसके लिए आपको सिर्फ एक जेस्चर या फिर एक स्वाइप करना पड़ेगा अपने लॉक स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आप जेड लिखेंगे तो गूगल फोटोज खुल जाएगा, या फिर आप सी लिखेंगे तो कैमरा एप्लीकेशन खुल जाएगा। अगर हम बात करें बोके मोड की, तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको मिल जाते हैं ड्यूअल रियर कैमरास। और इसकी अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको डेप्थ फोटोज़ एनेबल करने के लिए आपको कैमरा के अंदर जाकर डेप्थ इफेक्ट ऑप्शन को एनेबल करना है, और इसके बाद आपको मिल जाएंगे बहुत ही बढ़िया बोके शॉट्स। अगर आपको एक फटाफट फोटो खींचना है, तो इस स्मार्टफोन में आपको डबल टैप करना है पावर बटन के ऊपर, और उसके बाद आपको कैमरा एप्लीकेशन राइट अवे एक्सेसिबल हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं बैटरी परसेंटेज को इस बैटरी आइकॉन के अंदर, तो आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर और वहां पर एनेबल करना है इस ऑप्शन को, जहां पर आपको एनेबल करना है ऑप्शन शो परसेंटेज का, और इसके बाद आपको फोन के स्टेटस बार में बैटरी का परसेंटेज मिल जाएगा। अगर आपको एनेबल करना है गूगल असिस्टेंट को, तो आपको करना है इसका सेटअप कंप्लीट, और उसके बाद लॉन्ग प्रेस करना है होम बटन को, जिसके बाद गूगल असिस्टेंट आपको राइट अवे वहीं पर मिल जाएगा। अगर आपने खरीदा है इस स्मार्टफोन का 11,000 का वेरिएंट, तो आपको मिलता है 32GB का स्टोरेज, जिसमें से 22GB आपको मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स। और अगर आपने स्मार्टफोन को यूज किया कुछ हफ्तों तक, तो इसके अंदर काफी सारा यूजलेस इन्फॉर्मेशन या फिर कैश इन्फॉर्मेशन भर जाएगा। तो आपको सिर्फ सेटिंग्स के अंदर जाना है और वहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके अंतर्गत आप फ्री अप कर सकते हैं कुछ स्टोरेज को। अगर आप अपने स्मार्टफोन के अंदर एनेबल करना चाहते हैं स्प्लिट स्क्रीन का मोड, तो आपको टैप करना है ओवरव्यू बटन के ऊपर, उसके बाद आप ड्रैग कर सकते हैं उस एप्लीकेशन को और एनेबल कर सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन मोड को। अगर आप अपने स्मार्टफोन के अंदर किसी एप्लीकेशन या फिर किसी स्क्रीन को पिन करना चाहते हैं, तो आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है और वहां पर इस ऑप्शन को एनेबल करना है, जो है स्क्रीन पिनिंग का फीचर। उसके बाद आपको किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर पिन करना है, तो आपको उस ऐप को खोलना है, उसके बाद ओवरव्यू बटन के ऊपर बटन दबाना है और फिर पिन आइकॉन के ऊपर बटन दबाइए, जिसके बाद वो स्क्रीन पिन हो जाएगी। अगर आपको फटाफट एप्लीकेशन स्विच करने हैं, मतलब रिसेंट एप्लीकेशंस को, तो आपको सबसे फॉशस तरीका ये रहेगा कि आपको सिर्फ डबल टैप करना है ओवरव्यू बटन के ऊपर, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली पिछले एप्लीकेशन के ऊपर स्विच कर देंगे। अगर आपने आईफोन यूज़ किया है, तो आपको 3D टच फीचर्स के बारे में आइडिया होगा ही, और अगर आप चाहते हैं कि वो फीचर आपको इस स्मार्टफोन के अंदर मिल जाए, तो बेसिकली काफ़ी सारे डिफॉल्ट एप्लीकेशन के अंदर ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। सिर्फ लॉन्ग प्रेस कीजिए किसी भी एप्लीकेशन जैसे कि जीमेल के ऊपर, तो आपको मिल जाएगा कंपोज बटन, और अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे यूट्यूब के ऊपर, तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन या फिर ट्रेंडिंग एरिया का ऑप्शन। अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं नोटिफिकेशंस पैनल को, तो बेसिकली जो 6 शॉर्टकट्स आपको मिल जाते हैं, उसको एडिट करने के लिए आपको ये छोटी पेंसिल आइकॉन के ऊपर टैप करना है, उसके बाद आप किसी भी शॉर्टकट को बेसिक फर्स्ट 2 ट्रेस के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या फिर पर्सनल नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन कोई भी देख ले लॉक स्क्रीन से, तो आप जा सकते हैं सेटिंग्स के अंदर, वहां पर टैप कीजिए लॉक स्क्रीन प्रेफरेंसेस के ऊपर और वहां पर टैप कीजिए हाइड सेंसिटिव नोटिफिकेशन कंटेंट, और इसके बाद आपका कोई भी पर्सनल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बाहर किसी को नहीं दिखेगा। तो ये थे कुछ यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपके किसी फ्रेंड के पास ये स्मार्टफोन है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब रहिए फोन रेडा के ऊपर कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मैं हूं अमित और मैं मिलता हूं आपको हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।